हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है OTT प्लेटफॉर्म पर जब भी मूवीज रिलीज़ होती है तो वो कितने में बिकती है। हाल ही में मैं आपको दो मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बड़ी मूवीज़ है। एक है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और दूसरी है सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी जिसका नाम है द लक्ष्मी बॉम्ब। लक्ष्मी बॉम्ब की अगर मैं बात करूँ तो ये साउथ तमिल की एक मूवी है कंचना, उसकी रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक, और राघव लॉरेंस इसको जो है डायरेक्ट कर रहे हैं हिंदी में भी, और रियल पार्ट जो था तमिल उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी। दूसरी बात करूँ तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया सुपरस्टार अजय देवगन की मूवी है, और इससे पहले 2020 में ही सुपरस्टार अजय देवगन एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसको मुझे नहीं लगता कोई भी भूला होगा, उसको तो आने वाले काफ़ी सालों तक लोग याद रखने वाले हैं। दोनों मूवीज़ की बात करूँ तो दोनों में ही बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़ी स्टार पावर है। और अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ तो वहाँ पे कितने की बिकी होगी, आप एक गैस लगाइए। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। अगर मैं आपसे बात करूँ तो दोनों ही स्टार की स्टार वैल्यू जो है वो कहीं ज़्यादा है। अगर लगभग मैं बात करूँ तो दोनों ही स्टार लगभग लगभग 200 करोड़ की मूवीज़ दे सकते हैं। अगर अजय देवगन की बात करें तो उन्होंने तो 280 करोड़ की मूवी भी दी है तानाजी द अनसंग वॉरियर, और अक्षय कुमार ने 210 से 215 करोड़ के आसपास जो उनकी हाउसफुल 4 थी। लेकिन अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो अभी पिंक विला की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मूवी यानी कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 110 करोड़ से अबव यानी कि 115 करोड़ के आसपास में बिकी है, और वहीं दूसरी मूवी अगर हम बात करें जो कि लक्ष्मी बॉम्ब है वो बिकी है 125 करोड़ की। ये मूवीज दोनों मूवीज रिलीज होनी है एक प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपको पता है डिज्नी जो है हॉटस्टार के साथ जुड़ चुका है। अब देखना यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जो अभी बिकी है जितना मैं कह रहा हूँ कि लगभग लगभग 120 करोड़ और एक 125 करोड़, तो ये क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स के लिए इतना पैसा जायज़ है या मतलब सही है? वो दोनों ही स्टार्स इतने बड़े हैं कि वो आराम से ईजिली 200 करोड़ की मूवी तो दे सकते हैं। वेल, अब आप फैंस के ऊपर है बात, आपको क्या आप खुश हैं इससे या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखें। हालांकि रियलिटी यही है किसी के आसपास जो है ये दोनों मूवीज़ बिकी हैं। अब दोनों बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, हालांकि इससे भी महंगी बिक सकती थी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कितने खुश हैं ये जो दोनों मूवीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए बिकी हैं, एक 115 से 120 करोड़ और दूसरी 125 करोड़ से अब, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा इसी चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।